आज हम उत्तर देंगे कि उद्देश्य प्रेरित कलीसिया क्या होती है। उद्देश्य प्रेरित कोई फिरका या फिर कुछ और नहीं या सहबद्धता नहीं, लेकिन ये तो विचारों की एक प्रणाली है, आज्ञाकारिता के विषय। ये स्वास्थ्य का एक तरीका है सुनिश्चित करने के लिए, उन पांच उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए जो परमेश्वर ने करने के लिए या फिर जीने के लिए कलीसिया को इस प्रकार से जीने के लिए बुलाया है। हम इस बात को महान आज्ञा और मुख्य आज्ञा में देखते हैं। आराधना और संगति, सेवकाई, सुसमाचार प्रचार और शिष्यता। परमेश्वर ने हमें उन पांच उद्देश्यों में क्या करने के लिए बुलाया, जब हम इसे समझ जाते हैं तब हम सोच सकते हैं कि कैसे हम अपनी कलीसिया को उद्देश्य प्रेरित कलीसिया बना सकते हैं। क्या हमारी कलीसिया को उद्देश्य प्रेरित कलीसिया बना सकती है? मैं कैसे जानूं कि मेरी कलीसिया उद्देश्य प्रेरित है? इसी प्रश्न का उत्तर आज सुबह मैं दूंगा और जब हम इसे कर रहे हैं, और इसके विषय में हमें बहुत सारा बोलना है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे छोटे वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे और आप मुझे प्रश्नों को भेज सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं उन विचारों को जो आप इसके विषय में सोचते हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यही से हम आरंभ करते हैं। वो चार मुख्य बातें जो मेरे मन में आती है वो इस प्रकार से है, प्राथमिकता, प्रचार, कार्यक्रम और शिक्षा। वैसे ये शब्द शामिल नहीं है, प्राथमिकता, प्रचार, कार्यक्रम और शिक्षा। सबसे पहली और मुख्य बात यह है जो आपको उद्देश्य प्रेरित एक पास्टर बनाती है, जो आपकी कलीसिया को उद्देश्य प्रेरित बनाती है, जहां पर आप उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं बाकी सभी बातों के ऊपर, लोगों से बढ़कर परमेश्वर के उद्देश्यों को, कार्यक्रम से बढ़कर परमेश्वर के उद्देश्यों को, व्यक्तित्व से बढ़कर परमेश्वर के उद्देश्यों को, धन से भी बढ़कर, किसी और बातों से भी बढ़कर, संपत्ति से भी बढ़कर परमेश्वर के उद्देश्य पहले आते हैं। जब आप सोचना आरंभ करते हैं परमेश्वर के उद्देश्यों के विषय, क्या यह कार्यक्रम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करता है, क्या ये व्यक्तित्व परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है, क्या इसी रीति से हम अपनी कलीसिया में चीजों को करते हैं परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार सोचते हैं, हम उद्देश्य प्रेरित कलीसिया के रूप में सोचते हैं। और अगला शब्द जो हम देखने वाले वो है प्रचार, जहां आप व्यवस्थित रीति से आपके प्रचारों को उद्देश्य के आसपास में ही रखते हैं। इसका अर्थ है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में आपके पास में एक योजना है, जहां जो कुछ भी आप सिखा रहे हो या प्रचार कर रहे हो जो उद्देश्य के आसपास में ही है, ताकि आप सुनिश्चित कर ले कि संतुलित आहार वहां पर हो संपूर्ण वर्ष के लिए, जिसमें सभी पांचों उद्देश्य शामिल हो। कुछ पासवान आराधना पसंद करते हैं, कुछ पासवान बात करते हैं शिष्यता के विषय, कुछ पासवान सेवकाई पर बोलते हैं। सभी बातें महत्वपूर्ण है, एक समान महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के संपूर्ण सलाह को दे सके परमेश्वर के जनों के लिए उद्देश्य की शिक्षाओं से। चार हफ्ते की श्रृंखला आप कर सकते हैं उन सभी बातों को जो कि आराधना के ऊपर में हो, आराधना पर जीना, परमेश्वर के सम्मुख जीवित बलिदान के रूप में जीना। और चार सप्ताह आप शिष्यता के विषय में बातें कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ, मैं उन सभी पांचों उद्देश्यों को व्यवस्थित रूप से लेता हूँ, फिर एक महीने की मैं छुट्टी लेता हूँ और फिर से उन पांचों उद्देश्यों को दोहराता हूँ। ये बात मुझे सुनिश्चित करती है जिसमें मैंने एक साल में सभी पांचों उद्देश्यों को ले लिया है। इसी रीति से मैं उद्देश्य के आसपास में मेरी शिक्षाओं को रखता हूँ। और जब आप अपने प्रचार की योजना बनाते हैं तो आप इसे जांच ले ये कौन से उद्देश्य को पूरा करता है, और अपने लोगों को भी बताओ कि आज हम बात करने वाले हैं इस विषय, हम लोग बात करने वाले यहोशू 6 अध्याय, हम लोग बात करने वाले मत्ती 3 अध्याय के विषय। इस रीति से हम लोग ध्यान देने पाएंगे कि हम लोग किस रीति से सुसमाचार पर या शिष्यता के आज्ञाकारी होंगे। और इसीलिए इस रीति से आप स्पष्ट कर देते हैं कि आप कौन से उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं। और अंतिम बात जो मैं आज बताना चाहता हूँ वो है शिक्षा। जब आपके कलीसिया में एक सटीक व्यवस्था होती है, जहाँ एक व्यक्ति के जीवन में आप सभी पांचों उद्देश्य को लेकर जाते हो और आप उन्हें सिखाते हो कि आराधना क्या है, मैं कैसे करता हूँ, शिष्यता क्या है, मैं कैसे करता हूँ, सुसमाचार प्रचार क्या है, मैं कैसे करता हूँ, और आप उद्देश्य से उद्देश्य के लिए लोगों को शिक्षाओं को देते हो और आप पांचों को पूरा करते हो और आप उन्हें एक प्रक्रिया में से लेकर जाते हो, सुनिश्चित कर ले कि वे सभी पांचों उद्देश्यों को सीख ले, सिर्फ सीखना ही नहीं लेकिन कैसे कार्य में लाना। इसी रीति से आप उद्देश्य प्रेरित कलीसिया बनते हो। एक बार हम फिर से देखेंगे। पहली बात, जब आप उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हो, जैसे कि संपत्ति, व्यक्तित्व या फिर कार्यक्रम के विषय। दूसरी बात, जब आप उद्देश्य पर प्रचार करते हो, जब आप पांचों उद्देश्यों को अपने प्रचार में शामिल करते हो। तीसरा भाग, जब आप कार्यक्रम करते हो उद्देश्यों पर, जब आप सुनिश्चित करते हो कि सभी कार्यक्रम एक उद्देश्य के लिए ही है। और अंतिम जो है, जहां पर आप हर व्यक्ति को शिक्षा देते हो, उस व्यक्ति को कदम दर कदम आप प्रक्रिया में लेकर जाते हो। आप उस प्रक्रिया को या गति को चुन सकते हो, परंतु उस व्यक्ति को उस प्रक्रिया में से लेकर जाए जहां पर आपके कलीसिया का हर एक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करे परमेश्वर के उद्देश्यों पर। सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्यों पर शिक्षा प्राप्त न करे, परंतु उसके उद्देश्य के विषय में भी शिक्षा प्राप्त करे। यहीं पर आप आरंभ करते हैं स्वस्थ होने की दिशा की ओर, और इसी रीति से आपको फिर बुलाया जाएगा। इसी रीति से उद्देश्य प्रेरित कलीसिया आपको कहा जाएगा। लोग फिर ये कहेंगे यही उद्देश्य प्रेरित कलीसिया है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अगर आपके पास में और कोई प्रश्न है आप इस क्वेश्चन में नीचे लिख सकते हैं या मुझे फिर लिखे। मैं चाहूंगा कि आपकी सहायता करूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर हूँ। आपकी सहायता के लिए अगर कुछ कर सके, आपकी कलीसिया को स्वस्थ बनाने के लिए और आपको स्वस्थ पासवान बनाने के लिए,